हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सिंपल ड्रेस का पीस कान्हा जी के लिए, 4 नंबर के लिए। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कैसे बनाया हमने। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे चोली पहले से ही बना के रख रखी है। आपको जिस भी साइज़ में कान्हा जी की ड्रेस बनानी हो, आप उसके लिए पहले चोली बना लीजिए। चोली की वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या आप मेरे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट चोली की आपको अलग से ही मिल जाएगी। आप वहाँ से भी सभी साइज़ की चोली बना सकते हैं कान्हा जी के लिए। चोली बनाने के बाद सेम जिस तरीके से हम अब ड्रेस बनाएंगे, आपको उसी तरीके से बनानी है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ से ऊन कट नहीं किया है, आप कोई भी मतलब कलर अपने हिसाब से ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, कलर कॉम्बिनेशन आपका है। यहाँ पे हमने देखिए चोली बना ली है, चोली की फुल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अब इसके बाद देखिए यहाँ से हमें 2 चेन लेनी है। यहाँ से हमारे ड्रेस का घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। 2 चेन लेने के बाद सबसे पहले जो हमारी चेन है, ये देखिए फर्स्ट चेन है, इस पे से हमने 2 चेन लिए। इसको एक डबल क्रोशिया काउंट करते हैं। इसी चेन पे हम फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए 2 चेन निकाली, फिर 2 चेन निकाली। अब हमारा एक ही चेन में यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया हो गया है। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट चेन में डालेंगे क्रोशिया हुक, और ये देखिए हमने फिर से एक डबल क्रोशिया किया। सेम चेन में एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे। सिंपल ड्रेस का घेरा बनाने का वीडियो मेरा पहले भी अपलोडेड है, आप चाहे तो वहाँ से भी बनाना देख सकते हैं। अब ये देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारी चेन, उसमें से हमने एक बार डबल क्रोशिया लिया, सेम चेन में से एक बार और। यहाँ हमारी जितनी भी चेन है सभी में से हमें एक एक बार डबल क्रोशिया लेना और ये रो कम्प्लीट कर लेनी। चलिए मैं इतना कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये पहली रो हमने कम्प्लीट कर ली है। ये हमारे ड्रेस के घेरे की पहली रो है। इसके बाद नेक्स्ट रो में देखिए हमें यहाँ पे फिर से 2 चेन लेनी है। 2 चेन ली, और 2 चेन लेने के बाद फर्स्ट चेन है, देखिए 2 चेन ली, एक डबल क्रोशिया हो गया, ये भी एक डबल क्रोशिया काउंट होता है। नेक्स्ट चेन पे एक डबल क्रोशिया लिया, 2 डबल क्रोशिया हो गया हमारा 2 चेन पे, और ये देखिए यहाँ पे 1 2 3, ये तीसरी चेन है, तो तीसरी चेन में हमें एक बार और डबल क्रोशिया लेना है। ये देखिए अब नेक्स्ट चेन में हमने एक बार डबल क्रोशिया लिया, ये सेकेंड चेन में हो गया डबल क्रोशिया, और ये थर्ड चेन है हमारी, तो थर्ड चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। इस वाली रो में हमें हर थर्ड चेन में 2 बार डबल क्रोशिया लेके यहाँ पे इंक्रीज करना है। चलिए मैं ये रो भी ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये रो भी कंप्लीट हो गया। अब हमें देखिए यहाँ से इसे घेरे को इस तरीके से लाना है। ये हमारी सीधी साइड है, और ये हमने यहाँ से रो बनाते हुए आए स्टार्टिंग की। देखिए हमारे यहाँ पे 2 चेन है, जो हमारी दूसरी चेन है उसमें क्रोशिया हुक डालेंगे। ये देखिए ये दूसरी चेन है, तो यहाँ से हमें क्रोशिया हुक डालना है और ये एक स्लिप स्टिच कर देनी है। एक बार नेक्स्ट चेन में डालेंगे, जो आगे वाली चेन है हमारी, वहाँ से भी लाएंगे। ये 2 चेन हो गई, इसमें से पहली वाली चेन में से धागे को निकाल देंगे। अब हमारे यहाँ पे हमने ड्रेस का जो घेरा है इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद फिर से हमें यहाँ पे 2 चेन लेनी है। 2 चेन ली हमने, 2 चेन लेने के बाद अब देखिए हमारी फर्स्ट चेन है ये, इसमें से जहाँ से हमने 2 चेन लिए एक डबल क्रोशिया काउंट हुआ। इससे जो नेक्स्ट वाली चेन है वहाँ से हमें डबल क्रोशिया लेना है, ये देखिए। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चेन है उस पर डबल क्रोशिया लेना है, तो हमारी टोटल यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया हो गई। इसके बाद हमारी ये जो चौथी चेन है, इसमें हमने एक बार किया, सेम चेन में एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे। इससे पहले वाले में हमने हर तीसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया लिया है, इस वाली रो में हम हर चौथी चेन में इंक्रीज करेंगे। देखिए 1 डबल क्रोशिया हो गया, नेक्स्ट चेन में डाला 2 डबल क्रोशिया हो गया, ये 3 डबल क्रोशिया हो गया, और ये चौथी चेन है, चौथी चेन में देखिए 1 बार डबल क्रोशिया किया, सेम चेन में एक बार और कर देंगे। ऐसे हमें ये पूरी रो कम्प्लीट कर लेनी है। चलिए मैं एक रो कंप्लीट कर लेती हूँ, और इसके बाद हम देखिए जो नेक्स्ट रो आएगी ऐसे ही हम यहाँ पे लाके ज्वाइन करेंगे, और सो इससे नेक्स्ट वाली में हर 5वीं चेन में हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। ऐसे ही हमारा ड्रेस का घेरा आप जितना मर्जी उतना बड़ा बना सकते हैं किसी भी साइज़ में। तो इस वाली रो में हमने चौथी चेन में 2 बार करना है, और इससे जो नेक्स्ट वाली रो है उसे भी मैं बना लेती हूँ। चलिए उसमें 5वीं चेन में 2 बार डबल क्रोशिया लेके इंक्रीज़ करना होगा। चलिए 2 रो बनाने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये रो भी कंप्लीट कर लिए।
यहाँ पे हमने हर पांचवी चेन में दो बार डबल क्रोशिया किया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था दूसरी चेन में डालेंगे क्रोशिया हुक और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ पे हमने इतना कर दिया, इसके बाद नेक्स्ट चेन में डालेंगे एक बार और हम यहाँ से स्लिप स्टिच कर देंगे। बस इतना करके हमें धागे को कट करके निकाल देना है। ये हमने यहाँ से धागा कट कर दिया और कट करने के बाद देखिए हमारा यहाँ पे ड्रेस का बेस बन चुका है। इस तरीके से आप किसी भी साइज में आराम से चोली बनाइए। चोली बनाने के बाद जितना बड़ा आपको घेरा चाहिए आप इसी तरीके से कान्हा जी की ड्रेस का घेरा बना सकते हैं। तो सिंपल ड्रेस बेस अगर आप बनाना चाहते हैं तो हमारा ये बेस बन के तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स आज की ड्रेस आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे हरे कृष्णा।